130 करोड़ देशवासियों के हृदय सम्राट, गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि यहां पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ करोड़ों देशवासी आपको सुनने के लिए आतुर हैं, कृपया संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी। तालियों के द्वारा मित्रों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है, इसके लिए तो वो हकदार है ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। इस चुनावों को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। कुछ चीजें तो हम देश में भूल गए हैं। आपको पता होगा, पहले जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लो, यही खबरें रहती थी। एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग न होना, शांतिपूर्ण मतदान होना, और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, ये सारी आशंकाओं को जहां जहां चुनाव हुआ
लोगों ने निरस्त कर दिया, यही तो देश की ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। साथियों, इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं हर कार्यकर्ता को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, मैं कहूंगा नड्डा जी आगे बढ़ो, आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबड़ासा में, गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में, कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। इन दिनों दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव हुआ, जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे लद्दाख में, उसी प्रकार से दीव दमन और सेल्वास में भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो गया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम दो सीट पर थे, दो, और दो कमरों से पार्टी चला करती थी, आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है।
साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजे आए उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी मेहनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है, और इसलिए चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। साथियों, हमारे यहां ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते, गैस कनेक्शन, घर, स्वरोजगार के लिए सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे रेलवे, रेलवे स्टेशन, बेहतर हवाई अड्डे, नदियों पर बनते आधुनिक पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अहमियत नहीं रखते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही है कि असली मुद्दे यही है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। साथियों, आज देश भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह दिखा रहा है, एनडीए पर जो स्नेह दिखा रहा है, उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा ने, एनडीए ने देश के विकास को, लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और हम सभी कार्यकर्ता उस संकल्प से बंधे हुए हैं, हम हर वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए, हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो
देश के लोगों के हित में हो। साथियों, आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझती है, हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझती है और उनके लिए काम कर रही है। आज भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ ही हर क्षेत्र के गौरव को भी उतने ही गर्व के साथ अपने साथ लेकर के चलती है और इसलिए आज देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो भाजपा है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की अगर कोई आवाज है तो वो भाजपा है। देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए, देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी गरिमा, उनका गौरव सुनिश्चित करने के लिए जिस पार्टी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो भाजपा है। आर्थिक सुधार हो, कृषि सुधार हो या फिर देश की सुरक्षा, शिक्षा की बात हो, नई व्यवस्थाओं की बात हो या फिर किसानों, श्रमिकों का हित, ये भाजपा ही है जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये भरोसा, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसके लिए लोगों का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहले से और ज्यादा सीटें जीतकर सरकार में अपनी वापसी की। बिहार में तीन बार सरकार में रहने के बाद भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसकी सीटों में वृद्धि हुई है। गुजरात में भाजपा 90 के दशक से है और वहां भी इन उपचुनावों में पार्टी ने सभी सीटें जीतकर दिखाई है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने सीटें जोड़ी है जबकि वहां भी हमारी सरकार इतने वर्षों से सत्ता में है। यानी देश के लोग भाजपा को ही बार बार मौका दे रहे हैं, भाजपा पर ही सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। साथियों,
भाजपा की सफलता के पीछे उसका गवर्नेंस मॉडल है। जब लोग गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं। भाजपा सरकारों की पहचान ही गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से कैसे स्थितियां बदल जाती हैं, बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करने में इसे मदद मिलती है और ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। जब कोरोना आया तो ये संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा बड़े बड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए थे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई। जनता कर्फ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया, इन चुनाव नतीजों ने उसे भी अपना समर्थन दिया है। कोरोना काल में गरीब को राशन से लेकर रोजगार तक के लिए जिस स्तर पर भारत में प्रयास हुए हैं ये उसका समर्थन है। कोरोना काल में बचाया गया एक एक जीवन भारत की सफलता की कहानी है। साथियों, मुझे पता है आप लोग और खास करके मीडिया के साथी बार बार सोच रहे होंगे कि मोदी ये लंबा लंबा बोल रहा है लेकिन बिहार पर भी तो कुछ बोलूं। बिहार पर भी जरा विस्तार से बात करूं। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है, बिहार में विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती हैं, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है, ये बिहार के गौरव की जीत है। ये दिखाता है कि बिहार के जन जन में एनडीए के परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं के प्रति कितना विश्वास है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।
और साथियों, मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। बैंक अकाउंट से लेकर बैंक लोन तक, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त जांच से लेकर 6 महीने के अवकाश तक, रसोई को धुएं से मुक्त करना हो या फिर शौचालयों का निर्माण, 1 रुपये में सैनिटरी पैड की सुविधा हो या हर घर बिजली पहुंचाना हो या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इसलिए इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत एक नए मिजाज का भारत है। न हमें आपदाएं रोक सकती हैं और न ही बड़ी बड़ी चुनौतियां। मैं एक नए भारत के उदय को देख रहा हूं, एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है, जो अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत भी है, गंभीर भी है। ये बात हमने इस कोरोना काल में भी देखी है, जब दुनिया के अनेक देश थम गए थे, हमारे देश ने नई नीतियां भी बनाई, नए निर्णय भी लिए। कृषि क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक सुधार हुए, वो भी कोरोना काल में। ऐतिहासिक श्रम सुधार हुए, वो भी कोरोना काल में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया, वो भी कोरोना काल में। स्पेस सेक्टर को सभी के लिए खोल दिया गया, वो भी कोरोना काल में। देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का अभियान शुरू हुआ, वो भी कोरोना काल में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू हुआ, वो भी कोरोना काल में। गांव की जमीन और घर के लिए प्रॉपर्टी कार्ड देने वाली स्कीम, स्वामित्व योजना, ये भी तो कोरोना काल में शुरू हुई। पिछले 7-8 महीने कोरोना की मुश्किलों के बावजूद हम भारत के लोग देश के लिए जी जान से जुटे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाते रहे हैं। मुझे विश्वास है सभी देशवासियों का यही सामर्थ्य आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी पूरा करके रहेगा। साथियों, भारत के लोकतंत्र में डगर डगर पर
परिपक्वता के दर्शन होते हैं। हमारा लोकतंत्र हर पल नए आयामों को चूमता है, नई संभावनाओं को खोजता है, फलता है, फूलता है, खिलता है। यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। भारत की युवा पीढ़ी लोकतंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखती है। मजबूत लोकतंत्र में ही देश के नौजवान को अवसर नजर आते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति वो ज्यादा आश्वस्त रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये बात देश का युवा भलीभांति जानता है। परिवार की पार्टियां या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है, परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टी में भीतर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टी को जीवंत लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण बनाना है। और तभी तो देश का प्रधानमंत्री मंच से कह सकता है, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। यही तो पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है। पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने, जहां प्रतिभा के साथ न्याय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले। मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में जुट जाएं, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए कमल को हाथ में लेकर चल पड़े। चरैवेति चरैवेति का मंत्र लेकर के चल पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के अपने कार्यकर्ता साथियों की मेहनत देखकर भी मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है जी। आज भाजपा का विस्तार हो रहा है, इसकी वजह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का तप, त्याग और तपस्या है। और सफलता के इन क्षणों में हमें ये याद रखना है कि हमारा दायित्व भारत के जन जन के प्रति है। जीत का उन्माद नहीं, हार का अवसाद नहीं,
यही हमारी परिपाटी रही है और यही हमारी पार्टी के विकास का मंत्र रहा है। देश का आशीर्वाद हमारे साथ है, इस आशीर्वाद को हमें अपना दायित्व पूरा करके निभाना ही हमारी जिम्मेवारी है। राष्ट्र निर्माण का, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का हमारा मिशन अनवरत जारी है। समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे प्रयास इसी एक निष्ठ लक्ष्य के लिए होने चाहिए। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके भी अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं, मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और इसलिए मेरे साथियों, हम लोकतंत्र को समर्पित है, देश ने हम पर जो भरोसा रखा है उस भरोसे को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी तरफ से हमारे इरादों पर कोई शक नहीं कर सकता, हमारे प्रयासों के प्रति कभी कोई निराश नहीं होता है। हम प्रयास करते रहेंगे, अविरत करते रहेंगे, जनता जनार्दन के लिए करेंगे, मां भारती के एक एक संतान के लिए करेंगे। और ये जो चुनाव में आशीर्वाद मिलते हैं, ये आशीर्वाद हमें अधिक काम करने की ताकत देते हैं, अधिक काम करने की ऊर्जा देते हैं, अधिक काम करने की प्रेरणा देते हैं। और उसी आशीर्वाद को लेकर के मैं जनता जनार्दन के चरणों में अपना शीश झुका करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं फिर एक बार देश के सभी मतदाताओं को और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे नड्डा जी ने इस कार्यक्रम को विजयोत्सव के बजाय धन्यवाद का कार्यक्रम बनाया, इसलिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि हम जनता जनार्दन के ऋणी हैं, इसलिए हम उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। साथियों, दीपावली एक प्रकार से दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है, खूब धूमधाम से मनाइए।
अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। कोरोना से भी सतर्क रहिए। और एक बात, हम भाजपा वाले सिर्फ करें ऐसा नहीं, देश का हर व्यक्ति करें। और एक दिवाली के लिए नहीं, आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर। ये गूंजना चाहिए। हमें लोकल चीजों पर, हमारे लोगों का जिसमें पसीना है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है, जिसमें हमारे देश के नौजवान की टैलेंट है, जिसमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज, इस पर हम आग्रही बने, लोकल के लिए आग्रही बने हैं। देखिए, देश में, दुनिया के कोई देश कोई हमें दबा नहीं पाएगा दोस्तों, आप मान के चलिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के करोड़ों कार्यकर्ता के ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के द्वारा हम सब आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार, माननीय गृह मंत्री जी का आभार, माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार, माननीय नितिन गडकरी जी का आभार, सभी केंद्रीय जो नेता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर है, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि पार्टी कार्यालय में आप सबको भोजन की व्यवस्था की गई है और जीत की मिठाई भी है, इसलिए आप भोजन भी करेंगे, मिष्ठान भी ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार विजय के बाद ये जनता के वोटर के धन्यवाद का कार्यक्रम रखा गया था बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धन्यवाद भाषण में काफी बिंदुओं को छुआ। उन्होंने सबसे पहले बिहार की जनता का धन्यवाद किया, बीजेपी के वोटर का धन्यवाद किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिला शक्ति बीजेपी की साइलेंट वोटर है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद सबसे बड़ा खतरा है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा बयान था वो ये कि नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्प को सिद्ध करेंगे, यानी बिहार में सीएम के लिए इशारों में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर उनके नाम पर मोहर लगा दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान इसीलिए है क्योंकि लगातार एनडीए की जीत के बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि चूंकि जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तो क्या अब एनडीए में तीसरे नंबर की पार्टी का कोई व्यक्ति सीएम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सस्पेंस को खत्म कर दिया है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं